गांधी से लेकर भगत सिंह से लेकर उदारवादी से लेकर के नरेंद्र से लेकर के दलदल से लेकर के कुर्बानियों का इतिहास हिंदुस्तान के लोगों का है। और हिंदुस्तान के लोगों ने ब्रिटानिया हुकूमत को दुनिया के राज में से भेदकर करने का काम हिंदुस्तान के लोगों के संघर्ष ने करा है। और इसी संघर्ष के साथ साथ आजादी के संघर्ष के साथ साथ समाजवाद के खिलाफ भी संघर्ष जारी रहा है। आज भी आजादी के 75 साल बाद समाजवाद के खिलाफ संघर्ष जारी है। और समाजवाद के खिलाफ जारी संघर्ष में लोगों ने आज भी कुर्बानियां देनी पड़ रही है। जिस तरीके से कोविड हमला में पाली के नौजवान का जिक्र करा, आज भी देश में जहां करोड़ लोगों को सिर्फ देखना चाहते हैं। मेरे पास सबूत है, हमें जिंदगी
ये कैसा ये साल के हाथ में सूती के कपड़े, जबकि जो ये 20 करोड़ लोगों के घर तिरंगा फहराने के क्या है, और तिरंगे की बात अगर कीमत रखी है, और जो तिरंगा सरकारी सप्लाई में आया वो तिरंगा इसी में था। ये झंडा इसका फिर भी अच्छा है, इसके अंदर अशोक सदन बीच में है, लेकिन जो मोस्टली अधिकतर जो झंडे सप्लाई में आए किसी में अशोक सदन सही नहीं है, किसी में बीच में नहीं है, किसी में कटा फटा, किसी का तिरंगे का बीच में से टिक लगाए गए हैं, बीच में से कटे हुए हैं, कहीं तिरंगे का आगे से बाउंड्री सही नहीं है, इसका बाउंड्री सही है, लेकिन जो सप्लाई में आया उसका सही है। मोदी जी अपमान मत करिए, मत करिए तिरंगे का अपमान, हमारे दिलों में तिरंगा, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने इस तिरंगे के लिए कुर्बानी दी। आपने एक संगम राष्ट्रवाद तिरंगे का अपमान कर रहा है मोदी जी, लोग कहीं नहीं गए, मैंने तो मेरी आंख से देखा, सबूत पेश करूंगा मैं इस बात का कि ये सत्य कहां से आया। दोस्तों ये भावनाओं से खेलते हैं, ये बड़े दिन पहले जब कोरोना आई तो इनके पास टीका दवाई कुछ भी नहीं था, दवाई नहीं थी इनके पास, कोई इलाज नहीं था इनके पास, कोई वैक्सीन नहीं था, तो मैंने लोगों को कहा कि खाली मिला दो, ताली मिला दो, चुटकी मिला दो, यदि करोड़ों लोगों की मौतें हुई कोरोना से, फिर जब वैक्सीन आया तो बोले वैक्सीन को रोज दे, पूरी दुनिया में भ्रांति हुई, देश भर में विरोध हुआ, तो वैक्सीन खरीद करना पड़ा, अब कह रहे हैं बूस्टर डोज जो लगवाया वो रुपए में लगवाओ, तो देश में बूस्टर डोज लगने बंद हो गए, बूस्टर डोज नहीं लग रहे क्योंकि पैसे लोगों के पास 250 रुपए है नहीं बूस्टर डोज के। मैं कहना चाहता हूं किसान से नौजवान से आप बड़ी संख्या में बहने मजदूर भी आए हुए, मेरे घर की बात भी चली 2007 में इस जिले में, मैं जिला कृषि पर था जब नरेगा आई, फार्म छह मैं तो अपनी विधानसभा की कमेटी में भी लड़ा, विधानसभा में भी बोला फार्म छह आज भी अस्तित्व में नहीं है, जब तक फार्म छह नहीं होगा हम नरेगा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं नरेगा की बहन से कहना चाहता हूं आपको रोजगार जितने दिन चाहिए फार्म छह भर के दो, तब बात आगे बढ़ेगी। हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, वो हमारी भावनाओं से खेलते हैं, वो हमारी जातियों से खेलते हैं, वो हमारे धर्मों से खेलते हैं, वो हमारे धार्मिक संस्कारों से खेलते हैं, वो हमारी मंदिर मस्जिद से खेलते हैं, वो षड्यंत्र करते हैं, पर लूटते हमें, लुटवाते हमें, हमारे रोजगार चक्कर है, हमारे तेल पर चक्कर है, हमारी रेल पर चक्कर है, हमारे एयरपोर्ट पर चक्कर है, हमारी मंडियों को खा गए, हमें काले तौर पर वापिस करा ले, लेकिन अपनी बार गेहूं की खरीद नहीं हुई, गेहूं की खरीद नहीं हुई, इस मंडी में मजदूर और व्यापारी गेहूं की खरीद के बिना रह गया। यही नहीं, मैं उन दिनों गया था, मैं उन दिनों गया था भाखड़ा के डेम पर, मैंने पूरा पंजाब क्रॉस किया, हिमाचल की मंडी तक क्रॉस करिए, लेकिन कहीं भी गेहूं नहीं की एक ट्राली में किसी भी मंडी, खरीद कहां गई, खरीद को कौन नहीं गया। मैं व्यापारी वर्ग से कहना चाहता हूं वो तुम्हें जाति धर्म के नाम पर लाभ मत रख सकते हैं, वो तुम्हें तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर लाभ मत रख सकते हैं, लेकिन आपके और हमारे रोजगार सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों के रोजगार सुरक्षित नहीं है। क्या शहीद आजम भगत सिंह इस अदानी और अंबानी के लिए देश की खासी टूटे थे, क्या जतिंदा, क्या अस्पताल टूटा, क्या बहादुर शाह जफर की ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ बगावत, क्या गांधी जी की यात्राएं, क्या हमारे सारे के सारे आजादी के परवानों की लड़ाई अदानी और अंबानी को मजबूत करने की थी? नहीं भाई, अदानी और अंबानी के लिए नहीं बने थे, नहीं वो टाटा बिरला के लिए बने थे, वो लड़े थे हिंदुस्तान के लिए, जो
You know.